हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिस्टेंस चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसीए वुमेन्स टी20 चैलेंजर ट्रॉफी की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर डिगारू वीरांगना वुमन वर्सेस सबानीरी चैंपियंस के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियोज़ मिलेंगे, जैसे कि JCL T20 कवर कर रहे हैं हम लोग, इनके साथ साथ यहाँ पर आपको APL T20 के वीडियोज़ मिलेंगे, लंका प्रीमियर लीग और इंडिया वर्सेस आयरलैंड भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे, तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच दोपहर में 12:30 पर अमीगांव क्रिकेट ग्राउंड गुवाहाटी असम में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, रन्स यहाँ पर अच्छे बनते हैं, लेकिन वुमन मैचेस है तो ज़्यादा स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। आई थिंक 120 मैक्सिमम बन सकते हैं, 120-130। बाकी चेजिंग के आंकड़े भी इक्वल ही है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर DVW की, जो कि लास्ट मैच खेली और जीत के आ रही है। ओपनिंग में कौन है? तो रिया पंडल के साथ यहाँ पर हीरामोनी साइकिया ने ओपनिंग करवाया। अभी देखो, रिया पंडल अगर खेलेगी तो आगे मैं इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स वगैरह मैं टेलीग्राम में दे दूंगा आपको, बाकी अभी के लिए हम लोग इनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ओपनिंग में यहाँ पर हीरामोनी साइकिया हमारी टीम के अंदर रहेंगी, जो कि यहाँ पर पिछली टूर्नामेंट के अंदर कंसिस्टेंट तो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल प्लेयर अच्छी है विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो हम लोग इनको लेके जाएंगे, ओपनिंग भी करवा रही है। इनके अलावा से प्रियंका बरुआ लास्ट मैच के अंदर वन डाउन आई थी, जो कि थोड़ा सा मुझे अनएक्सेप्टेड लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर थी जो यहाँ पर टॉप में खेल सकती थी। तो रिया पंडल और प्रियंका बरुआ हमारे लिए रिस्की है, तो आप लोग चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। जहाँ से प्रियंका रिया पंडल ने ओपनिंग करवाया था, 6 रन ही किए थे। प्रियंका बरुआ के ओवरऑल 7 मैच के अंदर सिर्फ 3 रन है, यहाँ पर इनको वन डाउन भेजा गया है। मुस्कान मलिक को यहाँ पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हालांकि लास्ट मैच के अंदर ये भी 0 पे ही आउट हो गई, लेकिन भरोसा कर सकते हैं इस प्लेयर के ऊपर। ओवरऑल इनसे मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं। इनके अलावा ऐसे हेमलता पायंग, जो कि हमारी लास्ट मैच के अंदर वाइस कप्तान थी और इस मैच के लिए भी कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपको बॉलिंग से एडवांटेज देंगी, इवन बैटिंग से भी अच्छा खासा एडवांटेज देगी यहाँ पर हेमलता पायेंगे। इनके अलावा से शांति राय लास्ट मैच के अंदर हमारे लिए ट्रम्प कार्ड रही, इनका सिलेक्शन काफ़ी कम था और उनका हमने भर भर के फायदा उठाया, आगे भी हम लोग इनको एज अ प्लेयर लेके जाएंगे। इनके अलावा से बेदोश्री बरपात्रा गोहिन की बात करूँ तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ओवर्स वगैरह 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, अगर कोई चॉइस नहीं मिलती तो ही आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है। ओवरऑल 19 मैच के लिए जहाँ पर करीबन 15 की एवरेज से 163 रन है, 12 विकेट है, तो बॉलिंग से भी इतनी खास इफेक्टेड है नहीं, लेकिन ओवर्स वगैरह पूरी करवाएगी तो आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 1-2 विकेट निकाल लेती तो हमको एक बड़ा एडवांटेज दे सकती है। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं सुमी बासु माताराय की, जो कि 8 मैच के अंदर 32 रन है, 4 विकेट है, ओके रहेंगी, GL में ट्राई करोगे, क्योंकि बॉलिंग इनसे करवाई नहीं गई। 8 मैच के अंदर ओवरऑल इन्होंने 14 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर इनसे ओवर्स करवाई नहीं गई। हो सकता है जरूरत पड़ने पर एक आधी ओवर्स करवा ले, तो वही है, आप लोग चाहो तो इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करेगा, स्मॉल लीग के लिए तो मैं इनको प्रीफर नहीं कर सकता। इनके अलावा ऐसे ककाली साई किया, जिनको मैंने लास्ट मैच के अंदर कप्तान बनाया था और आगे भी मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। ओवरऑल 10 मैच के अंदर 87 रन है, 13 विकेट है। पिछली टूर्नामेंट के अंदर क्या हुआ था, 27 रन के साथ 2 विकेट, 11 रन के साथ 2 विकेट, 17 रन के साथ 1 विकेट, 9 रन के साथ 1 विकेट, तो मतलब यहाँ पर बैटिंग आएगी तो बैटिंग से भी आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकती है, इवन ओवर्स ये पूरी करवाएंगी 4। ऑफ स्पिन गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रही और आगे भी मतलब इनसे मुझे एक्सेप्टेशन है, भले वो विकेट लेस रही हो लास्ट मैच के अंदर मैं इनको लेके जाऊंगा। इनके लिए वैसे डिम्पी भुयान को डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई जहां पर 1 विकेट निकाला इन्होंने, बाकी ओवरऑल मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पर ककाली साइकिया को लूँगा और इनको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन भी करूँगा। मोम्पिया दास के ऊपर रिस्क ले सकते हो, ये प्लेयर अच्छी है, यहाँ पर रेगुलर ओवर्स करवाएंगी, विकेट वगैरह निकाल सकती है, लास्ट मैच के अंदर भी 3 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी जहाँ पर 1 विकेट निकाला था।
स्टार्टिंग में यहाँ पर बी गोहिन के साथ एम दास, डेथ हाउस में यहाँ पर एच पाइंग और एच राय डेथ हाउस में गेंदबाजी करेंगे। और इनके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलती है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में ही दूंगा। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। SBCW की बात करते हैं तो ये जो टीम है यहाँ से पहली बार खेलेगी, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। ओपनिंग में कौन है, तो ओपनिंग में ऐसे कल्पना चौटाल के साथ यहाँ पर रश्मि देव ओपनिंग करवा सकती है। एज अ प्लेयर दोनों इंपॉर्टेंस रहेंगी, डेफिनेटली दोनों को लेके जाना है। इवन यहाँ पर रश्मि देव को आप लोग एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। दोनों यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवाएगी और टॉप में खेलेगी, ओपनिंग करवाए ना करवाए लेकिन टॉप में खेलेंगी जरूर। तो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए दोनों ही अच्छी पिक है, लेके जा सकते हैं। इनके अलावा वैसे प्रियंका दत्ता ठीक ठाक रहेगी, अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हैं, बैटिंग सेक्शन से दिखेंगी। इसके अलावा ऐसे वर्षा रजक एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये इनसे भी आप लोग बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से उम्मीद करोगे, थोड़ा सा इसके तौर पर आप लोग इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे बात आती है प्रवीणिधि दास, विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छी पिक है, भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि हमारे पास चॉइस है ऑलरेडी, फिर भी देख लेते हैं, अगर कोई चॉइस मतलब चॉइस तो है हमारे पास लेकिन देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से कोई अगर अच्छी नहीं मिलती हमें पिक तो हम लोग दो विकेट कीपर को ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो प्रवीणिधि थोड़ी सी रिस्की है। इनके अलावा ऐसे हुनमोनी साइकिया की बात करते हैं, 6 मैच करना 80 रन है, करीबन 27 की वजह से 8 विकेट है, ट्राई जरूर करिएगा, ओवर्स करवाएगी पक्का यहाँ पर 3 से 4। इनके अलावा से प्रियंका कलीटा की बात करते हैं जो कि 6 मैच करना 6 विकेट है, लास्ट टूर्नामेंट इतनी अच्छी नहीं रही थी, थोड़ी सी रिस्की रहेंगी, जीएल में ट्राई करोगे। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं नेहा चंद्रा जो कि 7 मैच करना 8 विकेट है, 24 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो आई थिंक यहाँ पर 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी करवाएगी। रिस्क लेना चाहते हो तो इस प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि इनका ना सिलेक्शन काफ़ी कम होने वाला है, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और ओवर्स ये कंटिन्यूसली करवाएंगे, 3-4 ओवर्स तो पक्का करवाएंगे, तो भरोसा कर सकते हैं। इनके अलावा वैसे वसीफा अहमद ओके रहेंगे, इनको आप लोग जीएल वगैरह में ट्राई करेंगे क्योंकि 5 मैच के अंदर 21 ओवर्स की गेंदबाजी इन्होंने जरूर करवाई है, 3 विकेट निकाली है। अभी देखो 5 मैच के अंदर 21 यानी कि ये ना इनके जो आंकड़े हैं ये ओवर है जिसमें इन्होंने 20 ओवर्स की मैच 30 ओवर्स की मैच 40 ओवर्स की मैच वगैरह खेली हुई है, तो इसके लिए यहाँ पर ओवर्स जो एक आधी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर सारे ओवरऑल रिकॉर्ड से लिखे हैं। इनके अलावा ऐसे नरजीवारा बेगम ओके रहेंगी, और बात करें यहाँ पर रूप श्री साइकिया, इनको आप लोग लेके जा सकते हैं क्योंकि ये ओवर्स वगैरह पूरी करवाएगी। हालांकि विकेट टेकिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है लेकिन पिछली टूर्नामेंट के अंदर पहली मैच के अंदर सिर्फ 1 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाल ली थी। राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं और ये स्टार्टिंग में या तो डेथ में ओवर्स करवाएगी, ध्यान में रखिएगा ऐसे रूप श्री साइकिया को। इनके अलावा ऐसे बेंच की बात करते हैं तो बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन से रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोग 2 विकेटकीपर को ले रहे हैं, एक यहाँ पर हिरुमोनी साइकिया और पी दत्ता, आप लोग क्या होते हैं यहाँ पर पी दत्ता को ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन एच मोनी साइकिया आपकी टीम के अंदर चाहिए। इनके अलावा यहाँ से पी आर पंडल ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग करवाया था, इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स वगैरह देख लेंगे, अगर यहाँ पर प्लेयर में दम है तो हम लोग इनको भी लेके जाएंगे और यहाँ पर दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे। बैटिंग सेक्शन में एच साइकिया और मुस्कान मलिक रहेंगे, बाकी पी बरुआ को आप लोग ट्राई करोगे, पी बरुआ मीन्स यहाँ पर इनका नाम है प्रियंका बरुआ को आप लोग लेके जा सकते हैं। और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर के चौटाल इनके साथ, यहाँ पर एच पाएंग एम दास वर्षा रजक और रश्मि डे हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी बरपात्रा गोहिन की बात करूँ तो इन्होंने लास्ट मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवाई थी, ध्यान में रखिएगा इनको लेके जा सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर के साइकिया और एस राय हमारी टीम के अंदर रहेंगे, यहाँ पर आप लोग आर साइकिया को ट्राई कर सकते हैं, रूप श्री साइकिया जो कि 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी पूरी करवाएंगी, इवन यहाँ पर विकेट टेकर गेंदबाज है तो भरोसा कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे डिम्पी भुया ने भी लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाली थी तो इनको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। बाकी टीम की बात करते हैं तो टीम की कप्तान हमारी रहेंगी यहाँ पर एच पाएंग, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर आर डे को किया हुआ है, 2 चॉइस और देता हूँ, एक यहाँ पर के चौटाल और वर्षा रजक। तो अगर आप लोग रश्मि डे को वाइस कैप्टन करना या कैप्टन करना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप लोग ऐसे वर्षा रजक को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं और इसके बाद तीसरी चॉइस यहाँ पर के चौटाल है। बाकी तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं, फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको मैं टेलीग्राम में दूंगा, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। तो वही करना है आपको, टेलीग्राम से जुड़ना है और वहाँ पर क्या बोले ना
यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करना है। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो। देखो नई मैच है और इस टीम के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी किसी के पास है नहीं, और यहाँ पर हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है, ओवरऑल रिकॉर्ड्स और पिछली टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस सारा कुछ अवेलेबल है। तो मतलब बहुत कुछ आपको दिया है, तो आप अच्छे से स्टडी करो सारे प्लेयर्स के बारे में समझ के, अपनी खुद की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग भी करते रहो। बाकी हम लोग तो हमारी जो टीम रहती है वो शेयर करते ही है, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं तो सलाह दूंगा कि आप खुद की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।